नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नूज और दोस्तों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स इस सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो का। तो अगर आप भी इसके अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो यार बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो यार आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि छुपा हुआ है एक छोटा सा सरप्राइज आप सभी के लिए इस पूरे वीडियो में। तो चलो यार शुरू करते हैं। बॉक्स कुछ ऐसा दिया गया है सैमसंग की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बॉक्स के आगे यहाँ पे लिखा गया है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो। अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे बॉक्स की प्राइस दी की गई है। फ़ोन की प्राइस बॉक्स के ऊपर जो लिखी गई है वो है यहाँ पर 22,300 रुपीज़। बॉक्स के पीछे यहाँ पर कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको मिलता है सैमसंग का पे। इसके अंदर आपको 13+13 के सोशल कैमराज दिए गए हैं जिनके बारे में मैं वीडियो सगे बनाने वाला हूँ। 64 बिट का ओक्टा कोर प्रोसेसर है, 13+13 का कैमरा है, 3 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी है। और इन सब को पावर देने के लिए इस मोबाइल के अंदर है 3600 mAh की बैटरी। ऊपर की साइड यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिम कार्ड्स ओनली। बॉक्स के नीचे यहाँ पर कुछ बार कोड हैं और साथ ही साथ कलर बताया गया है जो कि हमने ब्लैक मंगाया है। बॉक्स के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें हमारा सैमसंग का गैलेक्सी J7 प्रो देखने को मिलता है। यहाँ पर इस मोबाइल को रखते हैं हम साइड में और देखते हैं कि अंदर हमें क्या कुछ और दिया गया है। तो अंदर हमें क्विक स्टार्ट गाइड और भी कुछ गाइड्स यहाँ पे दी गई थी है। तो अगर हम सार वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हेड के लिए जो सार है वो यहाँ पर है 0.355 वोल्ट पर kg, जो कि अच्छी है। इस फ़ोन के अंदर आपको एक्जीनोस का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि और नीचे हमें क्या क्या कुछ दिया गया है। तो नीचे हमें एक सैमसंग के ट्रेडिशनल ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं और साथ में एक माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर USB टाइप सी यूज़ नहीं किया गया है। हालांकि ये फ़ोन 20,000 का, फिर भी सैमसंग ने USB टाइप सी को यूज़ नहीं किया। और उसी के साथ यहाँ पर हमको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग का ट्रेवल एडाप्टर है और ये भी कोई फास्ट चार्जर नहीं है। तो इन सबको हम रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे मेन फ़ोन को। तो फ़ोन को मैंने बूट कर लिया है, तब तक मैं आपको फ़ोन का ही एक फ़िज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फ़ोन के आगे आपको एक 5.5 इंचेस की फुल HD स्क्रीन मिलती है जो कि सुपर एमोलेड है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 13 MP का सोशल कैमरा, साथ में ईयरपीस और एक LED फ्लैश देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर और टच सेंसिटिव बैकवर्ड और होम कीज देखने को मिलते हैं। मल्टीटास्किंग भी, प्राइमरी माइक्रोफोन दिया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है और 3.5 mm जैक दिया गया है। फ़ोन के राइट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल और साथ ही साथ एक पावर बटन देखने को मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम कीज और यहाँ पर सिम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। यह कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, यहाँ पर आप 2 नैनो सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हो। और फ़ोन के ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यह तो हो गया फ़ोन का ओवरव्यू। मैं फ़ोन को सेटअप कर चुका हूँ, फिंगरप्रिंट भी मैं सेटअप कर चुका हूँ। तो चलिए फिंगरप्रिंट को थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ, फिंगरप्रिंट तो यहाँ पर फास्ट है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब जाते हैं यहाँ से हम सेटिंग्स में जाके देखते हैं। मेमोरी तो यहाँ पर आपको 3 GB में से 1.8 GB फ्री मिल जाती है। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 48 GB में 64 GB में से आपको 84 GB अवेलेबल मिल जाती है। बाकी की जो है वो ऐप्स और सिस्टम के अंदर जा चुकी है। तो यार हमारे द्वारा दी गई ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अब बात करते हैं हमारे एक सरप्राइज़ की। तो वो सरप्राइज़ ये है कि हम कर रहे हैं गिव अवे एक GBL के C100SI
इनको हम कर रहे हैं गिव अवे आप सभी के लिए। तो आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और मैं 2 हफ्ते के बाद विनर को यहाँ पर अनाउंस करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी इसके बहुत सारे कंपेरिजन हम करने वाले हैं मोटो G4 प्लस के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।